12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे रेस्क्यू का काम शुरू हुआ और ठीक 399 घंटे बाद 28 नवंबर को शाम 7:50 पर कामयाबी मिली। कल रात जैसे ही ब्रेक थ्रू की खबर आई, जश्न शुरू हो गया। पहला मजदूर शाम 7:50 पर निकला और 45 मिनट की देरी थी और बाकी सभी मजदूरों को भी सकुशल सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया है। तो जैसे ही ये खुशखबरी आई, पूरा देश जो है वो जश्न मनाता हुआ नजर आया। रेड माइनस को सब सलाम कर रहे हैं। सुरंग में दरअसल ये चूहों की तरह मिट्टी जो है वो हटाते हैं, उसको एक तरीके से जैसे चूहा अपने लिए रास्ता बनाता है, वैसे ही हम आपको बता रहे हैं 800 मिलीमीटर पाइप में घुसकर ये खुदाई करते हैं। और इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं, हमारे साथ वो असली देवदूत हैं जो रेड माइनस बनकर वहां पर सामने आए और उन्होंने इस आखिरी पड़ाव को पूरा किया और उन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला है। मुन्ना और उनकी पूरी टीम जो बधाई के पात्र हैं, आप सभी को पहले तो बहुत बहुत बधाई। जिस तरह आपने मेहनत की उसको सलाम पूरा देश कर रहा है, लेकिन बात हो रही है चुनौतियों की, संघर्ष की जो आपने की, वहां अंदर किन तरीकों की चुनौतियों का सामना किया आपने? अल्लाह ताला ने सिखा दिया, बढ़िया है। मुन्ना जी, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है, पहुंच रही है। जरा बताइए कितना मुश्किल था ये रेस्क्यू करना? ये मुश्किल तो इतना ऐसा था जैसे हमारी हमारी फौज जो जाती है जंग लड़ने, उससे भी मुश्किल था ये हमारा मिशन। और हम बहुत बहुत हमने कठिनाई का सामना करा है, बहुत परेशानियां झेली हैं और हम झेलते झेलते आगे बढ़ते चले गए, मगर हम हार नहीं मानी हमने। लेकिन बधाई तो इस बारे में भी आपको मिलनी चाहिए, टारगेट तो आपको 24 घंटे का मिला था, आपने 15 घंटे में ही ये कारनामा कर दिखाया। बस जी, ये हमारे लड़कों का जज्बा था और इन्होंने हौसले अफजाई रखे और जो अंदर थे उन्होंने भी हौसले अफजाई रखे और हमें हम उनके पास पहुंच गए। अच्छा, कहीं ऐसा आपको लगा अचानक से कि लगा हो कि अब बहुत मुश्किल है, कैसे आगे बढ़ेंगे, ऐसा कोई पड़ाव जब 10 मीटर में आया आपको लगा मुन्ना जी? जब ओगर का कटर फंस गया था तो हम उसके लिए 3 दिन बैठे रहे, बाद में जब आया जो ओवर कट गया तो हमने उसे मेन वाली हंस से निकाला, खींचा उसे 2 क्विंटल का ओगर को, जिसमें सारे हमारे वर्कर थे, मेरे भाई थे सर, और ये भी हमारे भाई नसीम भाई, इरशाद भाई भी थे, मोहन थे, ये सब थे। तो हमने उसे कर लिया था, फिर उसके आगे बढ़ते चले गए। सरिया आई तो उसे गलेंडर से काटा और पत्थर आया तो गुदाली हिल्टी से इन्होंने तोड़ा उसे और इन्होंने मिशन पूरा सक्सेस करके हटे। कल शाम को 5:30 बजे हम काम करके हट गए थे। लेकिन मुन्ना जी, अब ऐसे कहीं पर खुदाई करना, बड़े पत्थर काटना बाहर, जहां सुरंग के अंदर आपको ना जाना हो, वो भी बहुत मुश्किल का काम है, लेकिन सुरंग के अंदर घुसकर वहां बड़े बड़े पहाड़ पत्थर काटना बहुत बड़ा चैलेंज रहा होगा आपके लिए। जज्बा बन गया था हमारा, ये हमारे जिंदगी का एक मकसद बन गया था, क्योंकि इससे पहले हमने कभी ऐसा कुछ करा नहीं। आज हमें बहुत अपने आप पे आज खुशी और अच्छा, जब आप अंदर रहे होंगे और मलबा हटा रहे होंगे क्योंकि सुरंग के अंदर थे आप, ऑक्सीजन की कमी आपने महसूस की, आपने धूल और इन सब से आपको कुछ खांसी इस तरह की कोई समस्या आई? थोड़ी तकलीफ आई है, मतलब अपने उनका एक जुनून था हमारे, हमें एक जुनून ऐसा था बस उन्हें हम कैसे भी पहुंच जाए उनके पास, और हमने हिम्मत नहीं हारी, हम उनके पास पहुंच गए। और जब हमारे लड़के जब 4 उनके पास पहुंचे, उन्होंने उनसे बहुत प्यार प्रेम और गले से लगाया उन्होंने, फिर उन्होंने मुझे पूछा, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे भी गले से लगाया और प्यार दिया और उन्होंने बहुत इतना कहा, बोल रहे थे हम ये नहीं सोच सकते हम तुमसे कितना वो करते हैं, मगर उन्होंने ये कहा था हम अपनी जान भी दे सकते हैं तुम्हारे लिए, अपनी दौलत भी दे सकते हैं, हमारा आज बहुत बड़ा उन्होंने हमें भगवान बना दिया था, मगर वो उनका बड़कपन है, उन्होंने हमें बिल्कुल, आप देवदूत ही हैं मुन्ना जी, आपकी ये पूरी टीम देवदूत है और ये भगवान से कम काम आपने नहीं किया, 41 जिंदगियां सुरक्षित बाहर निकाल के लाए हैं आप, तो इसलिए तो हर इंसान इस वक्त आपके लिए दुआएं मांग रहा है और बहुत दुआओं का असर हुआ भी कि 41 मजदूर बाहर निकल के आ पाए। लेकिन मुन्ना जी, आपकी जो पूरी टीम है, ये जब अंदर पहुंची, जब लगा कि अब हम एकदम करीब हैं, शायद ये पत्थर काटेंगे तो उसके उस पार होंगे मजदूर, ये जब आप लोगों को महसूस हुआ, उसके बाद की आप लोगों की फीलिंग्स क्या थी? उसके बाद फीलिंग्स ये थी, बस हम कैसे भी इसे सक्सेस कर दें और 15-16 घंटे में इसे हम खत्म कर दें, मगर हमने इसे 26 घंटे में फाइनल कर दिया था, 3 बजे से 5 बजे तक।
तो रास्ते में आप लोगों को कोई ऐसी बहुत भारी चट्टान, जिससे देखिए मशीन तक के जो ब्लेड थे वो टूट गए, हमने उसे मैनुअली निकाला और हमारे आगे सरिया पाइप आए, उन्हें हमने गैस कटर से वेल्डर से कटवाया, और पत्थर आए तो हमारी लेबर ने बिल्कुल, हमारे भाइयों ने, इन्होंने टीम ने पूरा क्लियर करके आगे बढ़ते चले गए। परेशानियां बहुत आई थी मगर इससे हार नहीं मानी, हिम्मत बनाए रखे, और हमारा बहुत ऊपर से भी हम पे बहुत वो था भाई, सबों ने हमारी हिम्मत बना रखी थी, हमारे भारत के लोग भी देख रहे थे, उन्होंने भी बहुत हिम्मत बना रखी थी, हमारे सीएम। अच्छा, वो पहला रिएक्शन, पहला अनुभव भी बताइए मुन्ना जी, जब आप उन मजदूरों तक पहुंचे, जब आपको उस सुरंग में से वो पहली झलकी दिखी जहां मजदूर उस तरफ खड़े थे, वो अनुभव आप लोगों का कैसा रहा, आप भी जरा बताइए, और अपने टीम के और जो सदस्य हैं उनसे भी बात करवाइए, उनका अपना अनुभव क्या रहा। हमारे मोनू भाई पहुंचे थे, हाँ जी, नसीम भाई पहुंचे थे, इरशाद भाई पहुंचे थे, आगे बढ़िया, आगे बढ़िया, आगे बढ़िया। नसीम जी, राकेत भाई पहुंचे थे, आप अपना रिएक्शन, अपना अपना अनुभव बताइए, जब आप वहां पहुंचे और आपको दिखा कि सामने मजदूर है, अब बस हाथ बढ़ाकर या उन तक पहुंचने भर की देरी है, वो अनुभव आपका कैसा था? अनुभव तो क्या, हमें तो देखने की तमन्ना थी, उनको उनको हमें निकालने की तमन्ना थी, उनको देखना था हमको कि अंदर से कैसे हम निकाल सकते हैं उनको, हमने निकालने के लिए ही हम दिल्ली से यहाँ पर आए थे, हमको बुलाया था, हमारे मुन्ना भाई है और ये हमारे हसन भाई है, हम इन्हीं के जरिए यहाँ पर आए हैं, यही है जी, हमारे उस्ताद, पूरी टीम है, उस्ताद है हमारे उस्ताद, इन्होंने बुलाया हमें यहाँ। इस टाइम हम अंदर गए तो उन्होंने गले लगा लिया, बहुत खुशी हुई, खाने को बहुत कुछ रखा था, खाने को भी दे रहे थे हमको वे, पर लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी, पर लेकिन इच्छा उनको देखने की थी। तो वो लम्हा, क्योंकि ये भी बाद में जो तस्वीरें आई इसमें दिख रहा था, मजदूरों से ज्यादा खुश आप लोग थे कि आपने ये कर दिखाया, उस मीटर जो लास्ट के मीटर बचे थे उनको आपने काटा, उनको किसी तरह उन मजदूरों तक पहुंचे हैं, वो खुशी आप लोगों के चेहरे पर भी उस वक्त दिख रही थी। उस टाइम तो चेहरे पर क्या खुशी थी, उस टाइम तो बस ये था कि हमको निकालना है, उनको कैसे भी करके निकालना है। जिस टाइम हम उनके पास पहुंचे उस टाइम हम बहुत खुश हो गए, वे भी खुश हो गए, उन्होंने हमें गले लगा लिया, वे बोल भी रहे थे, कह रहे भाई तुम तो हमारे लिए भगवान हो, ये हो, मगर भगवान हम नहीं है, हम भी भाई तुम्हारे लिए मजदूरी है, जैसे तुम हो ऐसे ही हम है, भाईचारे के नारे थे, हम तुम्हें निकालने आए हैं। अच्छा मुन्ना जी, आपके और जो टीम के लोग हैं, क्योंकि नासिर से हम बात कर रहे हैं, और भी लोगों से जरा हम समझना चाह रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों के हौसले हौसला टूटा हो, क्योंकि इतना मुश्किल ये रेस्क्यू था, कभी हौसला टूटता हुआ लगा, कहीं ये नहीं लगा कि हम ना फंस जाए? नहीं नहीं, ये नहीं सोचा हमने कि हम फंस जाए, हमें यही था कि हमें उनको निकालना है कैसे भी करके, क्योंकि बाकी और भी टीम की सहयोग सबका मिला हमको। मोनू जी, आप अपना अनुभव बताइए, क्योंकि इतने भारी भरकम काम वहां पर करना, खुदाई करना, वहां से निकालना, क्या ऐसे पहले भी आप लोग काम कर चुके हैं, अनुभव था आपको इसका? जी, मैंने काफी काम कराया, मुंबई में भी कराया है, कितना भी हार्ड ड्रॉप हो मैं उनसे भी काट देता हूँ। तो यहाँ आपको ऐसा लगा कि थोड़े मुश्किल है हालात, या आपको लगा देखते के साथ कि नहीं ये तो हम कर लेंगे? जी, मुश्किल तो था, फिर भी हमें 41 लोगों की जान बचानी थी, वो अपनी तरह मजदूर है, हम भी मजदूर ही हैं, वो अपने भाई लोग हैं। और शायद यही जज्बा आप लोग को भाई कि वो भी मजदूर, क्योंकि आप ही की टीम ये भी कह रही थी कि हो सकता है हम में से भी कोई फंसा होता तो कोई दूसरा हमें इसी तरह बचाने आता, क्या यही वो जज्बा है जो आप लोगों को और मजबूती दे रहा था? जी बिल्कुल, यही जज्बा हमको बहुत मजबूती दे रहा था, न जाने कहीं हम भी फंस जाते हैं, हम भी ऐसा ही काम करते हैं ना। मुन्ना जी, और लोगों से बात करवाइए मेरी, और आपके पीछे भी मैं देख रही हूँ, ये पूरी कितने लोगों की आपकी ये टीम थी? राशिद भाई, आपका अनुभव क्या रहा, आपको आपको उस समय कैसा फील आ रहा था, लग रहा था कि बहुत मुश्किल टास्क है ये जो दिया गया है? इन्हें तो इतना फील आ रहा था, बहुत मुश्किल थी, हमने अपनी मेहनत से मुश्किल लगा, कभी हौसला टूटा रास्ते में? नहीं नहीं जी, मैं अपनी बेटी से प्रोमिस करके आया था, बेटी ने प्रोमिस किया था, मेरी 6 साल की बेटी है मेरी, उन्हें बोला था पापा निकाल के आना है। तो आपको कहीं अपने लिए खतरा नहीं लगा कि अरे अंदर ऑक्सीजन नहीं है, या किसी तरह की चुनौती आ सकती है, ये कोई डर एक एक भी बार आया हो आपके मन में? नहीं मैम, डर तो देखो रहता ही है, हमारा भी परिवार है, छोटे बच्चे है हमारे, फिर भी हमने और अपने भाइयों को देखते हुए हमें कोई मतलब वो डरवर या कुछ महसूस नहीं हुआ, अपनी जान को खेल गई ना, हमने जान बचाई।
मैडम इतना सच बताया इनका, इन्होंने इरशाद भाई ने और इन्होंने एक पाइप 3 घंटे में डाल दिया था, इनके इतना सच बताया इन्होंने। ये लेकिन हमारे नसीम भाई है, कौन तो नहीं है आपका अनुभव नसीम जी, जब आपको ये बताया गया कि आपको ऐसे ये भूमिका निभानी है, आपको अंदर जाना है सुरंग के और वहां पे मलबा हटाना है, तब आपका पहली प्रतिक्रिया क्या थी? आपको लगा था कि मुश्किल काम है, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, टीम का हिस्सा बनूं कि ना बनूं? नहीं, ये तो काम तो हमारा यही है, जैक पुशिंग का ही, चूहा पुशिंग का काम है हमारा। लेकिन थोड़ा सा मुश्किल था, कठिन था, क्योंकि टर्नल के अंदर जाकर हमको फिर उसके पाइप के अंदर जाकर उसको काम करना था। पर लेकिन कठिन तो था, पर वो 41 आदमियों की जान भी तो बचानी थी। बिल्कुल, आज आज पूरा देश जो है वो आप लोगों को सलाम कर रहा है, आपकी पूरी टीम को सलाम कर रहा है, क्योंकि जहां मशीन ने जवाब दे दिया, मशीन के पुर्जे टूट गए, वहां पर हमारे ये मजदूर, हमारे ये रेट माइनर्स, हमारे ये देवदूत वो करिश्मा कर लाए, जिससे 41 मजदूर बाहर आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।